आप लोग हेडिंग दीजिए इंडिया, ठीक है जी, इंडिया, क्योंकि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपने इंडिया का डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल सा, छोटा सा, बड़ा सा, जैसा भी आपको आ रहा है, आप जो है वो भारत बनाएंगे। एक रफ सा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। बिना डायग्राम के कभी भी ज्योग्राफी नहीं चलेगी आपकी, कभी भी नहीं चलेगी। तो जो कुछ भी है वो सब चीजें हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ आएगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉमेनक्लेचर से, नाम से। आपको हमारे देश के कौन कौन से नाम पता है आप वो बताएंगे। हाँ जी, मैं लिख रही हूँ, बताइए फटाफट से। इंडिया, ओके, इंडिया, भारत, ठीक है जी, भारत, आर्यभट्ट, रेवा, रेवा, ठीक है जी, रेवाखंड हो गया, हिंदुस्तान, ठीक है जी, हिंदुस्तान भी हो गया। हाँ जी, और नाम कोई आपको याद आ रहा है भारत का? भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, रेवा खंड, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ठीक है जी, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट है मेहुला, मेहुला, ठीक है जी। नेक्स्ट है हिंदुश, यहां पे नाम लिखूंगी, हिंदुश। नेक्स्ट आएगा आपके पास यिंदु, ठीक है जी, यिंदु। हाँ, अभी इन सभी नामों का हम इतिहास जानेंगे कि ये भारत के नाम है, कौन से लैंग्वेज में है, कैसे बोला जाता है। तो यिंदु आएगा आपके पास, ठीक है जी। शैंथू, ठीक है जी, शैंथू। एंड नेक्स्ट आप लिखिएगा यहाँ पे ताइजू, ताइजू, ताइजू। तो शैंथू, ताइजू, यिंदु, हिंदुश, इंडिका, इंडिका और इंडोई, ठीक है जी। और सिंधुस्तान, सिंधु स्तान, ये सभी जो है वो भारत के नाम आएंगे, ठीक है। इन सभी नामों का हम इतिहास जानेंगे कि हमारे देश के क्या क्या नाम है। तो हिंदुस्तान है, रेवाखंड है, आर्यवर्त, भारत, इंडिया, जम्मू द्वीप, मेहुला, सिंधुस्तान, इंडोई, इंडिका, हिंदुश, यिंदु, सैंथू, ताइजू, ये सारे नाम हमारे देश के हैं। हमारे देश का नाम किस तरह से आया है ये सारे नाम। और आजकल तो ये बहुत हॉट टॉपिक है डिबेट का। आपको पता है आजकल जो है वो डिबेट चली है कि अपने देश का नाम जो है वो भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। हालांकि दोनों हमारे ही नाम है, बट प्रायोरिटी जो है वो किस नाम को दी जानी चाहिए, तो उसके नाम पे ना आजकल डिबेट चली है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, आर्टिकल फर्स्ट आपने पढ़ा है, आर्टिकल फर्स्ट क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी, कि इंडिया जो कि भारत है। और अभी हम क्या बोला जा रहा है, अभी बोला ये जा रहा है कि देखो भाई भारत जो कि इंडिया है तो हमको प्रायोरिटी किस नाम को देनी है, भारत नाम को। तो ये डिबेट चली है आजकल, ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे। तो पहले आपको इन सभी का ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, तो अपने देश का नाम जो मेहुला है, मेहुला से शुरुआत करेंगे। हमारे देश का नाम जो है वो कभी मेहुला भी था। और इन सभी नामों को जानने के लिए आपको जो भारत है वो ये वाला मैप याद नहीं रखना है। इंडिया अभी ये है, जो पाकिस्तान है कभी वो हमारा ही भाग हुआ करता था। तो यहाँ पे एक मेन नदी है, इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है जी। ये मैं हाईलाइट करती हूँ ये रिवर आपके लिए। ये कौन सी रिवर है, सिंधु नदी, ठीक है जी। ये नदी कौन सी है, सिंधु। तो सिंधु नदी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा मेहुला। हुआ क्या है, बात है 3000 BC के आसपास की, 3000 BC के आसपास की। जो सुमेरियंस हैं उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। सुमेरियन, सुमेरियन मतलब सुमेर कहाँ का देश है, कहाँ के लोग हैं, सुमेरियंस कहाँ पे है, अभी के टाइम का जो इराक है, ठीक है जी, अभी के टाइम का जो इराक है उसको 3000 BC के आसपास क्या बोला जाता था, सुमेर। सभी देशों के पुराने पुराने नाम हैं, बहुत पहले कुछ और जाने जाते थे। तो मैक्सिमम क्या था कि जो ये हमारे भारत के आसपास जो सभ्यता थी वो कहाँ की पनपी थी, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्यापार है या जो लोग हैं, जो इन्वेजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, सिंधु नदी के आसपास तक लोग आए हैं। लोगों को लगता था भाई यहीं पे ही सभ्यता है, यहीं पे सिविलाइजेशन है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, है ना? तो 3000 BC की बात है, बहुत बहुत पहले का ये टाइम है। और उस टाइम पीरियड पे अपना जो ये इंडस रिवर है, जो ये सिंधु नदी हमारी है, यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापार किया करते थे किसके साथ, इराक के लोगों के साथ। उस टाइम पे इराक को क्या बोलते थे, सुमेर बोलते थे। तो यहाँ पे व्यापार हो रहा है, तो जो ये लोग हैं जो सुमेरियन हैं वो इस क्षेत्र को क्या कहते थे, मेहुला बोलते थे। ठीक है जी, क्या बोलते थे, मेहुला। तो अपने देश का बहुत पुराना नाम जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, मेहुला मिल जाएगा। तो मेहुला लिख सकते हैं आप, मेहुला के अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे मेलूसा, मेलूसा या फिर मेलूखा। अब इस तरह के नाम जो है ये मेंशन किए गए हैं, ठीक है? तो मेलूहा बोल लीजिए, मेलूसा बोल लीजिए, मेलूखा बोल सकते हैं। तो ये नाम जो है वो दिया गया। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नाम भारत के लिए दिया गया है, बिकॉज भारत उस टाइम पे ये भारत नहीं था। उस टाइम पे क्या था, सिंधु घाटी वाला एरिया जो है। तो ये जो सिंधु नदी है इसका जो ये लोअर रीजन है इसको मेलूसा नाम दिया गया था। यहाँ पे ये जो हाईलाइट हम कर रहे हैं एरिया, सिंधु नदी के आसपास वाला एरिया, ये रीजन था मेलूसा। तो यही रीजन जो है वो जाना माना एरिया था। और कहा जाता है कि जो मेलूसा है या मेलूखा है, ये नाम कहाँ से आया है, ये नाम आया है मलह से। ठीक है जी, मलह से। और मलह क्या होता है, क्योंकि व्यापार हम लोग करते थे, ऐसा नहीं है कि भारत ने जो व्यापार करना है वो आज से शुरू किया है, हम लोग बहुत पहले से हमारे जो है वो ट्रेड रिलेशंस और कंट्रीज के साथ हैं। तो देखो यहाँ से ये अरेबियन सी है, इंडिया से नीचे यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। अरब सागर में हम अपनी किश्तियां रखेंगे जी, किश्तियों में सामान रखा और चले गए पानी पाने से इराक की तरफ, वहां पे अपना सामान बेचने के लिए, सामान लाने के लिए, जो भी चीजें हैं। तो जो मलह है, मलह का मतलब होता है नाविकों का देश। ठीक है जी, मलह का लिटरल मीनिंग क्या होगा, नाविकों का देश, नाविकों का देश। तो ये लोग बोलते थे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं या ये जो एरिया है वो क्या है, मेलूसा है, मेलूखा है या मेलूहा है। तो इस तरह से आपको बहुत पुराना एक भारत का नाम क्या मिलेगा, मेलूसा मिलेगा। ठीक है जी, किस लोग, किन्होंने बोला है, सुमेरियंस ने बोला है। सुमेरियन कौन थे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इराकी लोग है। 3000 BC के आसपास का ये टाइम पीरियड है। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप। तो जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, जो बहुत पुराने पुराने हमारे जो टेक्स्ट हैं, उसमें ये चीज मेंशन की गई है, या जो जैन लिटरेचर है या जो बौद्ध लिटरेचर है उसमें भी मेंशन किया गया है कि हमारे देश का नाम क्या हुआ करता था, जम्बूद्वीप हुआ करता था। ठीक है जी, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता है, जहां पे जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा हों। इस क्षेत्र में जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते होंगे, तो यहाँ से नाम जो है वो डिराइव किया गया और अपने जो देश का नाम है वो क्या पड़ा, जम्बूद्वीप पड़ा है। जम्बूद्वीप सिर्फ ये नहीं है, जो अखंड भारत कभी हुआ करता था बहुत बड़ा, तो बहुत पुराने पुराने टाइम पे हमारा नाम जो है वो जम्बूद्वीप भी रहा है। तो जम्बूद्वीप आपने याद रखना है, मेनली ये नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो है वो जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा थे। जैसे आपने चंपा में पढ़ा है, चंबा का नाम चंबा क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे कौन से ट्रीज ज्यादा थे, चंबा, चंबा के पेड़ ज्यादा, तो चंपा से चंबा थोड़ा वैसा बन गया वो। तो मे बी इसका कुछ और रीजन भी हो, है ना, बट जो हमको रीजन पता चला वो तो यही था कि भाई जामुन के पेड़ों की यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। तो ये हो गया आपके पास जम्बूद्वीप। ठीक है जी, अब हम आते हैं भारत पे। भारत या भारतवर्ष आप बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, तो अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा है, इसके पीछे तीन रीजन है। ठीक है जी, अपने देश का नाम भारत क्यों है, तीन उसके पीछे रीजन आएंगे। पहला रीजन तो ये है, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा थे बहुत बड़े, उनका नाम था दुष्यंत। ठीक है जी, दुष्यंत की शादी हुई थी रानी शकुंतला से। ठीक है जी, शकुंतला, आपने शायद सीरियल भी देखा होगा, एक नाटक भी आता था इनका। तो जो दुष्यंत राजा है इनकी शादी होती है शकुंतला के साथ, और जो इनकी संतान है, इनकी संतान कौन होगी, भरत। और भरत जो है वो चक्रवर्ती राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो भरत के नाम पे ही जो है वो हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी, ये चीज जो है वो हमारे पुराणों में मेंशन की गई है कि ऐसा
हुआ है कि भरत के नाम पे जो है वो क्या हुआ है, भारत देश का नाम रखा गया है। तो एक तो ये स्टोरी है, दूसरी स्टोरी क्या है कि भारत में जो है मतलब अपना जो ये एरिया है यहाँ पे एक ट्राइब हुआ करती थी और इस ट्राइब का नाम था भारत ट्राइब। ट्राइब समझ रहे ना आप, अपने यहाँ पे एक ट्राइब हुआ करती थी जिस ट्राइब का नाम है भारत। और ये स्टोरी कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है जी आपके पास ऋग्वेद में। ठीक है जी, ऋग्वेद, ऋग्वेद में मेंशन है ये। ऋग्वेद में हम एक युद्ध पढ़ेंगे, दशराग्य युद्ध। ठीक है जी, हमने हिमाचल प्रदेश में भी पढ़ना है वो, तो दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध में एक ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया था, दशराग्य। ठीक है, दशराग्य युद्ध, इसका जिक्र कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में लिखा गया है कि जब दशराग्य युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में एक ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया था, उस ट्राइब का नाम था भारत ट्राइब। और उसी ट्राइब के नाम पे जो है वो क्या हुआ है, अपने देश का नाम क्या रखा गया है, भारत रखा गया है। ठीक है जी, भारत रखा गया है। आप दशराग्य युद्ध को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो दशराग्य आपने याद रखना है, तो एक तो ट्राइब हो गई, और इसका थर्ड रीजन क्या है, जो जैन होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे गुरु हैं, तो जैन में जो गुरुज आते हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन के एक तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषि ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है जी, जैन तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ, जो जैन में गुरु होंगे। ठीक है जी, तो जो ऋषभदेव थे इनके बेटे का नाम था भरत, इनके बेटे का नाम था भरत। और ये भी बहुत ज्यादा शूरवीर, बहुत चक्रवर्ती थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भरत के नाम पे जो है, जो ऋषभनाथ के बेटे थे, इनका नाम क्या रखा, इनके नाम पे पड़ा है अपने देश का नाम। तो अब जो भारत नाम है वो क्यों भारत है, इसमें से आप जो है वो तीनों स्टोरीज याद रखिएगा। लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मानना है। कुछ लोग बोलते हैं दुष्यंत और जो शकुंतला थी उनका बेटे भरत के नाम पे पड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक भारत नाम की ट्राइब थी जिसका विवरण कहाँ किया गया है, दशराग्य युद्ध में, ऋग्वेद में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड थर्ड रीजन है जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव, उनके बेटे भरत के नाम पे जो है वो अपने देश का नाम रखा गया है भरत। ठीक है जी, या भारत, तो भारत आपने यहाँ से याद रखना है। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको भारत नाम क्यों है। आइए आगे हम बढ़ते हैं आर्यवर्त की तरफ। तो आर्यवर्त भी हमारे देश को बोला गया है। आर्यवर्त का मतलब क्या हुआ, लैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है जी, लैंड ऑफ आर्यंस, क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग रहते थे, तो ये देश क्या कहलाया, अपना आर्यवर्त कहलाया। और ये वो आर्यंस नहीं है जो आप पढ़ेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे आर्यंस आए और उन्होंने जो है वो लोगों को मार दिया, सभ्यता खत्म कर दी। एक थ्योरी वैसी भी है, अगर आपको रामायण वाला टाइम पर याद आ रहा है ना, तो जो श्री राम भगवान थे उनको क्या बोला करती थी सीता माता, आर्य। ठीक है जी, आर्य पुत्र। तो जो आर्य है या आर्य पुत्र है, ये नाम बहुत पुराना है जो आर्य है। तो जो लैंड ऑफ आर्यंस है वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास, आर्यवर्त हो जाएगा। ठीक है जी, आर्यवर्त, रेवाखंड कहा गया है हमारे देश को। ठीक है जी, तो रेवाखंड भी आपने याद रखना है। अब हम इन नाम की बात करते हैं। अच्छा, ये तीन नाम आप देखिएगा यहाँ पे, जो चाइनीज हैं वो भारत को किस नाम से जानते थे या अभी भी जानते हैं, तो आएगा येंदु। कहीं कहीं पे येंदु मेंशन किया गया है, कहीं कहीं पे शैंथू मेंशन किया गया है, और कहीं कहीं पे ताइजू मेंशन किया गया है। तो ताइजू किसका, चाइनीज नेम है भारत का, ये अभी का नहीं है। ओल्ड स्क्रिप्चर्स उनके जो थे या ओल्ड लिटरेचर जो था चाइनीज का, वहां पे हमारा जो भारत वाला एरिया है, और भारत वाला ये वाला एरिया नहीं, मे बी ये सिंधु नदी के आसपास वाला एरिया हो। तो चाइनीज जो है वो क्या बोलते थे, ताइजू बोलते थे या फिर शैंथू बोलते थे। ताइजू का मतलब क्या होता है, ताइजू का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग, लैंड ऑफ हेवन। ठीक है जी, स्वर्ग वाली भूमि, तो मतलब इतना अच्छी वो जगह थी। तो ताइजू का आपने मतलब याद रखना है, हेवन उसको बोला जाएगा। ठीक है जी, हेवन। चलिए अब हिंदुस्तान और इंडिया समझने के लिए हमको समझना होगा इंडस नदी को, सिंधु नदी। सिंधु नदी से ही जो है ये सारे नाम हमारे पास आए हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, तो आप सिंधु नदी बना लीजिए। अपने इंडिया में जो है वो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। ठीक है जी, सिंधु नदी में के आसपास जो है वो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। भारत में जो है वो पर्शियन आए हैं,
भारत में ग्रीक्स आए हैं तो वो अटैक करते रहे टाइम टू टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अटैक है ना वो यहीं तक होता था। इसका रीजन आप समझिएगा, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं, ये 2000 BC, 1000 BC, 500 BC के आसपास की, बिफोर क्राइस्ट की ये बात हो रही है। जो भी अटैक्स इस तरफ से हुए, चाहे वो ग्रीस से हुए हैं, चाहे वो पर्शियन एरिया से हुए हैं, जो भी अटैक्स हुए हैं, वो अटैक करते थे और अटैक करते करते कहाँ पहुंचेंगे, सिंधु नदी के पास पहुंचेंगे। तो सिंधु नदी के आसपास तो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, यहाँ पे लोग बसे हैं, यहाँ पे वो अटैक करेंगे इस एरिया में। देखो सिंधु नदी से जब आप आगे आओगे ना, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या चीज है, रेगिस्तान, थार डेजर्ट है, ठीक है, थार रेगिस्तान पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे थार डेजर्ट है। तो लोगों को लगता था कि भाई यहाँ से आगे तो रेगिस्तान है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है, इसके बाद आगे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है। तो काफी लंबे टाइम तक ये वाला एरिया जो है वो पता नहीं था, तभी आप देखो कि यहाँ पे ज्यादा अटैक्स नहीं हुए हैं साउथ वाले एरिया के ऊपर, यहाँ यहाँ तक अटैक्स हुए हैं। तो होता क्या है, पर्शियन अटैक करेंगे, ठीक है जी, पर्शियन, और पर्शियन के अटैक्स में आप एक राजा का नाम पढ़ोगे, उनका नाम है डेरियस प्रथम, ठीक है जी, डेरियस फर्स्ट, डेरियस है, कई लोग डेरियस भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये डेरियस फर्स्ट है, ये पर्शियन रूलर है, ये अटैक करेंगे भारत में, और जब इन्होंने अटैक किया तो ये कहां तक पहुंचे जी, सिंधु नदी तक पहुंचे थे अटैक करते करते, ये पर्शियन रूलर है, ठीक है जी, इनका नाम है डेरियस, कहां तक पहुंच गए ये, सिंधु नदी तक पहुंच गए अटैक करते करते। तो उन्होंने बोला हम कहां पहुंच गए, कि सिंधु के पास पहुंच गए जी आप। लेकिन अब इधर ही लोचा हो गया थोड़ा, क्या हुआ, वो नदी क्या थी हमारी, सिंधु, ठीक है जी। और ये लोग पर्शियन में क्या होता है कि जो एस की साउंड होती है वो एच की साउंड होती है, ठीक है जी, मतलब आप एस को क्या पढ़ते हो वहां पे, एच, ह पढ़ते हो, ठीक है, ह। तो जो सिंधु था वो क्या बन गया, यहां से हिंदू बन गया, फिर समझ पाए आप ये बात। तो यहाँ पे जो ये साउंड है ना वो चेंज हो गई, तो जब पर्शियंस यहाँ पे आए तो इसे ये सिंधुस्तान था, मतलब सिंधु के आसपास वाला एरिया क्या बनेगा, सिंधुस्तान बनेगा आपका, ठीक है जी। तो क्या बन गया फिर, यहाँ से हिंदुस्तान बन गया, था तो वो सिंधुस्तान ही, बट इन्होंने क्या पढ़ा उसको, फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इस तरह से नाम आया है, हिंदुश, तो इस रीजन को उन्होंने क्या बोला, हिंदुश। ये वाला एरिया आएगा, ये सिंधु नदी के आसपास वाला एरिया, ये पूरा हिंदुस्तान इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने इस रीजन को ही जो है वो हिंदुश बोला था, हिंदुश बोल लीजिए आप या फिर हिंदुस्तान बोल लीजिए, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बात हो गई, बढ़िया नाम आ गया आपका, हिंदुश भी आ गया, हिंदुस्तान भी आ गया। अब क्या हुआ, इनके बाद आएंगे ग्रीक्स, ठीक है जी, इनके बाद कौन आएंगे, ग्रीक्स आते हैं और ग्रीक्स यहाँ पे अटैक करेंगे। अब ग्रीक्स में भी एक दिक्कत थी, इन लोगों की भी एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे लिखती हूँ हिंदू, ठीक है जी। तो ये क्या करते थे ना, ये एच को साइलेंट लेके जाएंगे, एच को ये प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे, तो ये क्या बन गया फिर यहाँ से, इस तरह से हिंदू, एच तो पढ़ा ही नहीं ना इन्होंने, तो यहाँ से क्या बन गया, ये हिंदू या फिर इंदुश या फिर इंडस, तो इस तरह से क्या नाम आ गया आपके पास, ये इंडस आ गया, बिकॉज डायरेक्टली इंटू तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत ये भी चेंज करेंगे, बट इन्होंने एच प्रोनाउंस करेंगे ही नहीं, ठीक है जी, ये एच प्रोनाउंस करते ही नहीं थे, तो ये नाम क्या हो गया यहाँ पे, इंडस हो गया या फिर इंडोई हो गया, इंडोई मतलब इंडस नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कहलाए आपके पास, इंडोई कहलाए, इंडोई से इंडस आ गया फिर, तो सिंधु नदी को हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं, तो इंडस इस तरह से आया, ठीक है जी, इंडिका इस तरह से आया, और फिर इंडियन आ जाएगा धीरे धीरे, तो इंडिया, इंडियन भी इस तरह से ही आपके पास नाम आ जाएगा, ठीक है जी, इंडस हो जाएगा, इंडोई हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया नाम हमारे पास इस तरह से इवॉल्व हुआ है धीरे 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 करके, फिर रोमन्स भी आएंगे, और रोमन्स में से मान लीजिए इंडोई है या इंडस है, इंडुस है, तो उसको इंडिया पढ़ देंगे या उसको इंडियंस पर पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है जी। तो ये आए हैं हमारे पास नाम इस तरह से, और इसके पीछे ना एक और स्टोरी पढ़ी थी मैंने, थोड़ी मतलब ज्यादा वैलिड वो स्टोरी पता नहीं है या नहीं है, क्या पढ़ा था कि जो ये वाला एरिया है ना यहाँ पे कौन सी भाषा बोलते थे, हिंदी, ठीक है जी, हम लोग क्या बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाली जो जगह हो गई वो क्या कहलाएगी, हिंदुस्तान, ठीक है जी, वो क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आप बोल लीजिए, ठीक है जी, हिंदुस्तान या फिर
हिंदुस उन लोगों को बोला जाएगा जो हिंदी बोलेंगे, ये थ्योरी थी। तो जब ये लोग ग्रीक लोग आए, उन्होंने क्या किया, एच को तो पढ़ा नहीं, तो ये क्या बन गया, इंडिस्तान या फिर इंडस बन गया। तो यहीं से ही जो है वो बोलते हैं कि भाई इंडस से ही जो है वो इंडिया शब्द आ गया आगे। ठीक है जी, तो ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। बनाने के लिए तो आप कितनी भी थ्योरीज बना लो, कितनी भी कहानियां बना लो, पर अगर देखा जाए तो भाई अंग्रेजों ने ये नाम हमारे पास नहीं दिया है, इंडिया बहुत पहले से प्रचलित यहाँ पे था। पर धीरे धीरे क्या हुआ फिर कि अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया नाम ज्यादा चलने लगा, और भारत में भी जो कुछ लोग थे वो ज्यादा किसके फेवर में थे, इंडिया के नाम पे थे, कुछ लोग फेवर में थे किसके, भारत के, हमको भाई भारत चाहिए। कुछ लोग बोलते कि ठीक है अपने रूट से तो हम लोग जुड़े रहेंगे, बट हमको थोड़ा प्रोग्रेसिव भी दिखना है, प्रोग्रेसिव तो हमको करनी है, तो हम मॉडर्न नेम लेके चले तो भी क्या दिक्कत है। तो इंडिया और भारत दोनों नामों को लाया गया फिर अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हुई। और अच्छा, ग्रीक्स में ही ना आप एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर, सुना है आपने ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है वो अटैक किया था सिकंदर ने भारत के ऊपर, और इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखिए, मान लीजिए ये सिकंदर आए और सिकंदर ने चले 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 सिकंदर, अलेक्जेंडर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अलेक्जेंडर जब आते हैं तो वो किस नदी तक पहुंचेंगे, फिर वहां से वापस मुड़ जाएंगे? नहीं नहीं, इंडस को तो क्रॉस करके आएंगे आगे, नर्मदा तो नीचे है, व्यास रिवर। ठीक है जी, कौन सी नदी है, व्यास है। तो अलेक्जेंडर व्यास तक आया था, और व्यास के बाद फिर वो वापस चला गया था, हमने ये चीज पढ़ी है अभी तक, है ना। अलेक्जेंडर के टाइम पे इनके गवर्नर थे, इनके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, आप याद रख लेना, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज को। तो जो अलेक्जेंडर है उनके मंत्री का, उनके गवर्नर का नाम क्या है, सेल्यूकस निकेटर है। तो जो ये इंडस से परे वाला रीजन है सारा का सारा, यहाँ पे आप मान लीजिए ये वाला एरिया सेल्यूकस निकेटर के पास ही है, और इस टाइम पीरियड पे अपने यहाँ पे इंडिया में राजा कौन है, नो बैटल हो गई उसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, कौन आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे आप इनके टाइम पे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख दूं चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ जी, ये बन जाएंगे राजा, पाटलिपुत्र वगैरह कैपिटल्स आएंगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे आराम से वो चीज। तो अलेक्जेंडर तो वापस चले गए थे, ये यहाँ पे जो एरिया है इसको कौन देख रहे थे, सेल्यूकस निकेटर देख रहे थे, और भारत में जो है वो कौन राजा बन चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा बन गए हैं। हाँ जी, क्लियर है आपको ये। अब होता क्या है, सेल्यूकस निकेटर अपने कोर्ट से एक व्यक्ति को, एक पोइट को भेजेंगे कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, कि आप जाओ और वहां पे आप रहो। क्या नाम था उनका, हाँ जी, सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, यस, तो फिर मेगस्थनीज आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इनका नाम पूछा जाता है आपसे, बढ़िया यहाँ पे रहे, यहाँ पे इन्होंने सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस बुक का नाम पूछा जाता है, यस। ठीक है जी, इंडिका, तो आ गया ना इंडिका आपके पास, ग्रीक्स में हमने यही पढ़ा था, तो आपसे पूछते इंडिका है ना नाम, इंडिका मतलब इंडिया एक तरह से अगर देखा जाए, तो इंडिका से फिर इंडिया आ गया आगे। तो इस तरह से इंडिका बुक किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने लिखी है। तो ये हमारे जो है वो टोटल नाम हुआ ना, सिंधुस्तान का मतलब क्या हुआ, सिंधु मतलब सिंधु नदी, स्थान होता है लैंड एरिया, तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, सिंधुस्तान कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नाम जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये हो गए हमारे नाम भारतवर्ष के। अब हम देखेंगे लोकेशन, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, ये है हमारी पृथ्वी, और अर्थ जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये हो जाएगा इक्वेटर। हाँ जी, तो भारत कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में, साउथ में कौन सो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे नॉर्थ में आपको मिलेगा। ठीक है जी, भारत इस तरह से, तो आपको इंडिया कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। ठीक है जी, और किस कॉन्टिनेंट में हम लोग आते हैं,
एशिया, राइट, एशिया कॉन्टिनेंट, भारत है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट। हाँ जी, भारत का एरिया कितना है? एरिया 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया आपको मिलेगा 32,87,240 किलोमीटर। यह है हमारा एरिया भारतवर्ष का। तो सवाल ये है कि इंडिया का जो एरिया है वो पूरे विश्व के एरिया का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है जी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड? तो आपका आंसर होगा 2.4%, 2.4% पूरे विश्व के एरिया का भारतवर्ष 2.4% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। और क्षेत्र के अनुसार एरिया वाइज भारत कौन सा देश है? हाँ जी, मतलब फिफ्थ नंबर पे है, सिक्स नंबर पे, सेवन, नाइन्थ, सेवन, बिल्कुल ठीक है जी। एरिया वाइज जो है वो अपना देश जो है वो कौन से नंबर पे है? सेवन नंबर पे है। और पॉपुलेशन वाइज तो हमने टॉप कर लिया है, जनसंख्या के आधार पे जो है वो भारत सबसे बड़ा देश है विश्व का। तो आपने एरिया वाइज लिख लेना है, ठीक है जी, एरिया वाइज। हाँ जी, अब देखिए, अच्छा ये बताइए, अर्थ के ऊपर जो इस तरह से आपको वर्टिकल लाइंस मिलेगी, इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये क्या हुए आपके पास? लॉन्गिट्यूड्स हुए। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब हुआ देशांतर, ठीक है जी। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये होंगे आपके पास लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश, अक्षांश, ठीक है जी। तो अब हम ये देखेंगे कि जो भारत है वो किन लैटिट्यूड्स के बीच में है, ठीक है जी, और किन लॉन्गिट्यूड्स के आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो हम इंडिया का ही लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम लोग देखते हैं। हाँ जी, उसके लिए आपने एक बहुत अच्छा सा मैप बनाना है। और आप कोशिश करना कि आप वहीं पे ड्रॉ कर लें इन सब चीजों को। क्योंकि लिखने से अच्छा है कि जितना आप ड्रॉ करोगे उतनी चीजें आपको याद रह जाएंगी अच्छे से, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया, बहुत एक्यूरेट नहीं है, रफ सा हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इसका। तो ये देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये है 68 degrees and 7 minutes ईस्ट, ठीक है। 68 degrees 7, और ये कॉमा हमने लगाया, इसको मिनट पढ़ा जाता है, तो 68 degrees 7 minutes ईस्ट से लेके, है ना, फिर 68, 69, 70, 71, 72, इस तरह से हम करते करते आएंगे और हम पहुंचेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है ये आता है आपके पास 97 degrees and 25 minutes ईस्ट, ठीक है जी, 97 degrees and 25 minutes ईस्ट। 68 degrees 7 minutes ईस्ट to 97 degrees 25 minutes ईस्ट। क्या हमने ठीक लिखा? आपने यहाँ पे ईस्ट लिख दिया, चलो यहाँ पे ईस्ट होना ही चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वेस्ट, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए, ईस्ट ही होना चाहिए। हाँ क्यों? ये हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज हम लोग लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं और जो जीरो डिग्री है आपका ग्रीनविच लाइन, उसके ईस्टर्न साइड पे हम लोग चल रहे हैं, तो ये सारे ईस्ट के लॉन्गिट्यूड हैं, है ना। आपने ऐसा नहीं सोचना कि गलत लिख दिया मैडम ने, वेस्ट करो इसको, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके बीच में जो है वो इंडिया है। अब लैटिट्यूड हम लोग देखते हैं, तो लैटिट्यूड देखिए ये वाला अगर हम देखें यहाँ पे 8 degrees 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते आप पहुंच जाओगे 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है जी, 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये हुआ हमारा इंडिया, और हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, ठीक है जी।
ये इंडिया के साथ यहाँ पे क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा आइलैंड है आपके पास? यस, ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ये बन गए हमारे अंडमान निकोबार, और यहाँ पे है लक्षद्वीप इस साइड से, ठीक है। जैसे हमने बना दिया लक्षद्वीप, तो आपने एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पे कि जब हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं, हम लोग जब मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो आपने 8 degrees and 4 minutes नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, लेकिन जो अंडमान निकोबार है इसके जो आइलैंड्स हैं वो काफी नीचे तक हैं। तो अगर अंडमान निकोबार तो हमारे पार्ट है, तो आप अंडमान निकोबार जब देखते हैं तो ये किस लैटिट्यूड पे है, ये है आपके पास 6 degrees 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 6 degrees 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, तो 37 degrees 6 minutes नॉर्थ से लेके आप लोग 6 degrees and 4 minutes नॉर्थ तक है, बिकॉज अंडमान निकोबार में आप पढ़ेंगे यहाँ पे निकोबार के जो आइलैंड्स आएंगे वो यहां तक आएंगे। अगर सिर्फ मेनलैंड पूछा जाए मुख्य भूमि, तो वो 8 degrees 4 minutes तक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम क्या आंसर करें, डिफरेंस समझ के ना आप इन दोनों में क्या था। हाँ जी, 6 degrees 4 minutes यहाँ पे आपके पास अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स जो है ना वो काफी नीचे तक है यहाँ तक। तो अगर आप ये वाला लैटिट्यूड देखो वो क्या है, लैटिट्यूड आपके पास 6 degrees 4 minutes है, तो ये हमारा ही पार्ट है, तो हमारा नदर मोस्ट पॉइंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे एक्सट्रीम पे हैं, जैसे कि हाँ जी इंडिया में सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक विलेज है, इसका नाम है की बीथू विलेज, ठीक है जी। की बीथू विलेज ये है आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछे भारत का बिल्कुल ईस्ट में जो है वो कौन सा पॉइंट है, तो वो आएगा किबिथू, क्योंकि बिथू आप याद रखेंगे। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आएगा, हाँ जी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो आपने बनाना है गुहार मोती, ठीक है जी। इसका नाम क्या है, गुहार मोती, हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या आएगा, गुहार मोती आएगा, ठीक है। चलिए नदन मोस्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नदन मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और कोल क्या होता है आपको बताया भी था, आपको दिखाया भी था कोल का मतलब क्या हुआ, हाँ जी कोल का मतलब क्या हुआ, पास दर्रा, उस रीजन में मतलब कोल को हम इसका मतलब समझ सकते हैं पास या फिर दर्रा, ठीक है। इंदिरा कोल हमारा नदन मोस्ट पॉइंट है। अब आप देखिएगा कि अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ठीक है जी अपना सदर मोस्ट पॉइंट क्या है, नो नो नो, मैं मेन लैंड की बात कर रही हूं, यहाँ पे केप कॉमोरिन कन्याकुमारी के पास, ठीक है जी आप कन्याकुमारी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्या आएगा आपके पास, केप कॉमोरिन, ठीक है जी केप कॉमोरिन। तो केप कॉमोरिन जो है वो क्या है, मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर हम लोग देखिए अंडमान निकोबार को काउंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है जी इंदिरा पॉइंट, हाँ जी इंदिरा पॉइंट है। तो आप ये बताइए कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, हाँ जी भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, 6 degrees 4 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, ठीक है। बट अगर आपको सवाल पूछा जाए कि मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केप कॉमोरिन, मतलब मुख्य भूमि, बिकॉज ये तो आइलैंड्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मुख्य भूमि में आएगा केप कॉमोरिन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई दो पॉइंट लिखा दिए इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से आप समझना है। चलिए इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है, हाँ जी कश्मीर टू कन्याकुमारी नॉर्थ टू साउथ 3, 2, 1, 4 किलोमीटर, इजी है नंबर ये, 3, 2, 1 और फिर 4 लगा दो आप साथ में, तो 3, 2, 1, 4 किलोमीटर इंडिया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी इस तरह से लेके नीचे तक, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है नॉर्थ टू साउथ भारत कितना आएगा आपके पास 3, 2, 1, 4 किलोमीटर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट,
इंडिया ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर है, तो आएगा ये 2933 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ जी, ईस्ट टू वेस्ट 2933 स्क्वायर किलोमीटर। आपने ईस्ट टू वेस्ट भी याद रखना है और नॉर्थ टू साउथ भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी, नॉर्थ टू साउथ भी आपने याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन की और लैंड बॉर्डर्स की, ठीक है जी, क्योंकि आप देखिए ये भारत है, भारत यहां से लेके यहां पे आपको लैंड बॉर्डर मिलेगा, है ना। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान है, ठीक है जी, यहाँ पे चाइना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह हम पढ़ेंगे, तो ये मुख्य भूमिया है कि मेन यहाँ पे बॉर्डर रीजन आपको मिलेंगे। और इंडिया के साथ यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडीज हैं, पानी है, तो कोस्टल एरियाज आपको मिलेंगे, तो इंडिया के पास बॉर्डर लैंड भी है और कोस्टल जो एरियाज है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। हाँ जी, तो ये आप देखना है यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर यहाँ पे है, और इंडिया से नीचे क्या आपको मिल जाएगा, इंडियन ओशन, ठीक है जी, हिंद महासागर, इंडिया से नीचे है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले हम लोग कोस्टल एरिया लिखेंगे इंडिया का, ठीक है जी, कोस्टल बाउंड्री जो है, तो भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी आएगी, आप लिखेगा 7516.6 किलोमीटर। हाँ जी, भारत की तटीय रेखा कितनी है, ठीक है, तटीय रेखा, तट का मतलब होता है कोस्ट, तो यहां से आप शुरू कर दीजिए ये, तो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें आपका ये इंडिया का मेन लैंड इंक्लूड है, प्लस अपने पास यहाँ पे ये अंडमान निकोबार और ये आ गया आपके पास लक्षद्वीप, इसके पास भी तो कोस्टल एरिया है, पानी से घिरा हुआ है ये, है ना, तो यहाँ ले लीजिए आप मेन लैंड ले लीजिए और हमारे जो आइलैंड्स है वो इंक्लूड करके, तो टोटल अपने पास कोस्टल एरिया कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो जो मुख्य भूमि है यहाँ पे कितनी कोस्टल बाउंड्री है आपकी, कोस्टल लेंथ कितनी है, हाँ जी, मेन लैंड का सिर्फ ये, तो वो आ जाएगा आपके पास 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ पाया आपके, ठीक है जी, टोटल बाउंड्री जब आप बात करते हैं मेन लैंड प्लस आइलैंड्स तो आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर, और जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की तो आ जाएगा 6100 किलोमीटर, तो 6100 किलोमीटर आपने लिखना है। हाँ जी, भारत की कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, वो राज्य जो कि कोस्टल कोस्टल जिनके पास कोस्ट है, तट है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है जी, गुजरात मिल जाएगी आपको, गुजरात, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, गोवा है, ठीक है जी, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर ओडिशा आ जाएगा, एंड देन वेस्ट बंगाल, तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है जी, 9 लिखो आप इनको, ड्रॉ करो, मैप बनाओ, बिना मैप के आपने चलना ही नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसमें रटना नहीं है आपने कि आप याद करने बैठो इनको, आपको पता है कि केरल यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जितना आप मैप को देखोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, तो ये 9 स्टेट्स हो गई हमारी, 9 राज्य है जिनके पास ये कोस्टल एरिया है, है ना, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्ट पे हैं, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये तो पानी के बीच में ही है, तो ये तो आइलैंड ही है, ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ कोस्ट पे आपके पास कितनी यूटीज हैं जिनकी कोस्टल आपको बाउंड्री मिलेगी, कोस्टल कोस्ट लाइन मिलेगी, यस पांडिचेरी, नहीं जम्मू कश्मीर तो आ ही रहा है पानी,
यस, दो ही हैं, ठीक है जी, दो ही हैं, दो कौन कौन सी है, एक आएगी आपके पास पुडुचेरी और दूसरी है दमनदीव, ठीक है जी, दमनदीव, तो पुडुचेरी और दमनदीव ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपको कोस्ट में मिलेंगी, ठीक है, तो आपने ये दो यूटीज भी याद रखनी है। अब सवाल आपको ये आता है कि आप ये बताएं कि भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा सबसे बड़ी किस राज्य की है, यही ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने, हाँ जी, सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात, तो गुजरात आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, कितनी है इसकी ये लिख लेना आपने, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, तो गुजरात की आपके पास जो कोस्ट लाइन है वो कितनी आएगी, 1214 किलोमीटर आएगी, ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो गुजरात आ गया, गुजरात से छोटी किसकी होगी, हाँ जी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, कितनी इसकी कोस्टल लेंथ है, तो 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन, और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आएगा 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की, हाँ जी आंध्र प्रदेश की है 973, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु की कितने हैं 906 किलोमीटर, तो तीन आपने याद रखनी, बाकी सबकी हम याद रखेंगे नहीं, आपसे पूछेंगे भी नहीं, ठीक है, आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो आपको मिल जाएगी इसकी, गुजरात की कितनी है आपसे पूछ लेंगे, 1214.7 किलोमीटर, तो आपने टॉप थ्री का याद रख लेना इसमें से, तो ये आपके पास जो है वो कोस्टल स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है जी। अब हमारे पास रहेगा लैंड बाउंड्रीज जो हमने पढ़नी है, इंडिया के साथ यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पे ऊपर चाइना है, ठीक है जी, ये देखिए ये नेपाल आएगा, यहाँ पे ये भूटान है, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, तो किस कंट्री के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हमने वो पढ़ना है, ठीक है जी। इंडिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरेगी वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, कल पढ़ते हैं, आप लोगों ने यहाँ तक इसको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। चलिए तो फटाफट से आप ये बताएंगे कि एरिया वाइज भारत जो है कौन से नंबर की कंट्री है, सेवेंथ नंबर की, टोटल कोस्टल स्टेट्स कितनी है हमारे पास, नाइन है, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है जो कोस्ट पे है, दो है, सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो किसका है, हाँ जी, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है जी, और नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, बिल्कुल ईस्ट में कौन सा एरिया है, किबिथू है, ठीक है जी, और बताएंगे वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, नहीं लॉन्गिट्यूड बताना है आपने कौन सा है वो, 65, 68 या 70, तो ये आएगा 68.7 ईस्ट, ठीक है जी, मतलब 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आप ये देखो ना, यहां से यहां तक कितने लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, हाँ जी, यहां से यहां कितने लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, घर से कैलकुलेट करके आना आपने, हाँ जी 29, 30 कितने लॉन्गिट्यूड्स आएंगे और कितना टाइम का डिफरेंस, अच्छा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट्स का, ठीक है जी, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने का होगा, हाँ जी 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर्स का, ठीक है, तो सूर्य जो है वो दो, मतलब 2 आवर्स का हमको टाइम का डिफरेंस मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे, 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य आता है, 2 घंटे बाद यहाँ निकलता है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है आपको कि भारत में जो है वो एक ही टाइम जोन है, पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, मतलब सेम टाइम से हम लोग चलते हैं। सवाल ये है कि भाई बहुत बार डिमांड होती है दो टाइम जोन की, इंडिया में जो है वो दो टाइम जोन होने चाहिए, तो वो डिमांड क्यों होती है, वो कितनी डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं है और क्या होगा उसको लेके, ठीक है जी, वो कल पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से
याद करके आना, ठीक है जी। हाँ जी, कोई अगर डाउट है तो पूछ लो।